जिसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर और सुंदर एवं उनकी परिकरों की दर्शन के अभाव के कारण आसानी कुटीब मधा मनोली पशु गौरांगे गुणेर निधि कथा के रूप किताब है पेज नंबर 9। इस प्रसंगवशत विशेष रूप में विचारण है कि श्रील गोस्वामी ने उत्तमा भक्ति की परिभाषा अन्ना विलासत सुन्नम ज्ञान परमदनाप्रीतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भक्ति के दो लक्षण बताए, एक है स्वरूप लक्षण और दूसरी है रस लक्षण। स्वरूप लक्षण जो बताते हैं भक्ति की स्वरूप सिद्धि के लिए अनुकूलन अर्थात कृष्ण प्राप्ति के अनुकूल हो, कृष्ण प्रीति के अनुकूल हो, इस विशेषण का प्रयोग किया गया है। अनुकूलन कृष्णानुकूलन कृष्ण अनुकूल मई सेवा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कृष्ण अनुकूल में ही सेवा होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रतिकूल अर्थात विरुद्ध आचरण द्वारा भक्ति भक्ति की सिद्धि ही नहीं होती। अनुकूल सब ग्रहणम और प्रतिकूल सब विवर्जन। अनुकूल क्या क्या है, भक्ति के अनुकूल क्या है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तन संगत त्याग सत्वृत्ति सर्वभक्ति और प्रतिकूल क्या है, उपदेश हम तो भूल गए, प्रत्याहार प्रयास प्रकल्प निमाग्रह जनसंघ लोलन सर्वभक्ति। ये सब याद रखना चाहिए। लिख करके रखो, यही तो भक्ति के विषय है। अनुकूल से ग्रहण और प्रतिकूल प्रतिकूल वस्तु को त्याग देना। साधक जीवन में पहले तो ये हमें होनी चाहिए हमारे जीवन की अनुकूल वस्तु क्या है। अनुकूल शब्द का अर्थ रोचमाना वृत्ति व रुचिकर किया गया है अर्थात श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण को जो अनुशीलन भक्ति किया जा रहा है अनुशीलन कृष्ण को रुचिकर होना चाहिए। भक्ति में कैसे होना चाहिए, कृष्ण रोचमाना वृत्ति कहा गया, क्या बोला, रोचमाना रुचिकर। रुचि कब होता है, जब भूख लगता है, भूख लगने पर कैसे भी भोजन सामग्री आ जाए उसके खाने में स्वाद आता है, स्वादिष्ट लगता है, स्वाद आता है ना। और यदि भूख नहीं लगे तो हम बहुत क्या करेंगे उसको, कुछ भी आ जाए अच्छा नहीं लगे, अच्छा भी वस्तु आ जाए उसके भी हम अच्छा नहीं लगे, दोष देखेंगे, दोष देखते कि नहीं, इसमें नमक कम हो गया, इसमें नमक ज़्यादा होगी, कौन बनाया,
किसने भोग लगाया है? बहुत प्रचार, बहुत प्रकार की विचार है। और दो तीन दिन से कोई भूखे पड़े और उनके भोजन मिल जाए, जिस प्रकार उसके भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगता है, उसी प्रकार भगवत कथा में रुचि हो जाने पर और फिर ताल लय मान हम उतने ध्यान नहीं देते। आज सुखदेव गोस्वामी पाद परिचित महाराज जी कथा जो सुना है, कौन सा म्यूजिशियन पकड़ करके लाया था, हायर किया था कि नहीं है? वो तो 7 दिन 7 रात श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में बताया गया। कितने दिन भागवत कथा सुनाया? 7 दिन 7 रात। हम 3 घंटा बैठने भी, 1 घंटा बोलने भी थक जाते, 1 घंटा सुनने भी हम क्या हो जाते, थक जाते। इसलिए बीच बीच में क्या करना पड़ता है, परिहास करना पड़ता है, ध्यान देनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। म्यूजिशियन ले आओ, आसन इधर उधर की कथा सुनाओ तो हमें अच्छा लगेगा। कलियुग के मनुष्य की कथा कहाँ सुन पाए, घर में आपको जाना भी है, घर जाना है कि नहीं? आज ज़्यादा देर हो गया तो घर में आप लोग के पिटाई हुई है, कल इतने रात तक कहाँ रहे? कलिए इसलिए कले कले दोष समझे, कले जी में सब प्रकार के दोष, मनुष्य के दोष दोष हैं, कई प्रकार के दोष हैं। एक तो जरा व्याधि भी है, शरीर भी ठीक नहीं रहता है, बात ऐसे ही सब प्रकार। इसलिए दोष किसको हम डाले है, इसलिए कह रहे हैं यह कृष्ण अनुशीलन को, अनुशीलन को रुचिकर होना चाहिए। श्री कृष्ण के लिए ऐसी रुचमाना प्रवृत्ति के नाम अनुकूल विशिष्ट भक्ति है, किंतु इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करने पर इसके लक्षण में अति व्यक्ति और अव्यक्ति दोष होने की संभावना रहती है। संस्कृत में थोड़ा आ जाता है, एक कहा जाता है अति व्यक्ति अव्यक्ति, वस्तु में वस्तुत्व प्रतिलक्षण होकर के दूसरी स्थान पर जो चले जाते हैं उसके कहा जाता है अति व्याप्ति दोष कहा जाता है। व्याप्ति दोष भी हो जाता है वस्तु में, वस्तुत्व के जो विपरीत रूप में हम देखते हैं उसके कहा जाता है व्याप्ति दोष कहा जाता है। ये अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष होने की संभावना रहती है। जैसे चारुर मुष्टिक आदि असुरों ने मल्ल युद्ध में श्री कृष्ण के अंगों पर प्रहार किया, इस प्रकार के श्री कृष्ण की बड़े ही उत्साह हुआ। चारुर मुष्टिक की सारे बड़े उत्साह धीर रस का आस्वादन करने लगे। कृष्ण जब कंस के रंगालय में प्रवेश करने लगे, कंस ने क्या रख दिया, दोनों मल्ल युद्ध कर रख दिया चानुर मुष्टिक, और कृष्ण के बहुत प्रसन्न, कृष्ण उसमें बहुत प्रसन्न हो रहा है, हो रहे कि नहीं? यदि ऐसे कहा जाए भक्ति में तो क्या होनी चाहिए, कृष्ण की प्रति होनी चाहिए है, तो कृष्ण सुख हो रहे, कृष्ण के सुख हो रहे कि नहीं हो रहे, कृष्ण के सुख नहीं हो रहे, अरे कृष्ण के तो सुख हो रहे है, चारुर मुष्टि के साथ कृष्ण लड़ रहे हैं, कृष्ण के इतने उत्साह आ रहे हैं उनके साथ युद्ध करने, कृष्ण के सुख हो रहे हैं, कृष्ण के सुख हो रहे हैं, तो इसको भक्ति कहा जाए, क्यों भक्ति नहीं करें?
न चाणूर्मुष्टि के उद्देश्य नहीं था कृष्ण के सुख देना, चाणूर्मुष्टि की लक्ष्य क्या है, कृष्ण की मार लेना, ये प्रतिकूलता आ जाता है, है? समझ में कुछ विषय जो है संस्कृत में विषय कैसे होते जा रहे हैं, उल्टी तरफ जा रहे हैं, इसलिए भक्ति के क्या हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। कृष्ण सुख होने पर, कृष्ण के अपने सुख होने पर भी है किंतु भक्ति नहीं हो रहे, क्यों, जो सेवा आदि कर रहे हैं उनकी विचार के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। ऐसे भगवान विषय विग्रह है, क्या बोला, भगवान विषय विग्रह है, इसे विषय विग्रह के प्रति हमारे ध्यान देना अधिक नहीं है, अधिक किस में ध्यान देना, आश्रय विग्रह, आश्रय जो विग्रह जो है वो कैसे सेवा अधिकार है उसके ऊपर देना है। फिर दूसरी उदाहरण दे रहे जी, माँ यशोदा गोपाल को क्या, माँ यशोदा कृष्ण के जो है स्तनपान करा रहे, और स्तनपान कराते कृष्ण की क्या हुआ, कृष्ण के सुख हो रहे कि नहीं हो रहे, कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं ना, नहीं सुनो, कृष्ण माँ यशोदा के स्तनपान कर, कृष्ण का अच्छा लग रहा है, किंतु माँ यशोदा ने क्या की, अपने स्तनपान से उसके विरत कर दे, माने रोक दे, इससे कृष्ण के क्या हो गया, गुस्सा है, कृष्ण के गुस्सा होने से क्या हो रहा है, कृष्ण वो दधि भांड के फोड़ दिए, माँ यशोदा गोपाल के स्तनपान से रोक दे, इसलिए निकट में जो दूध जो है वो गर्म हो रहा था और वो दूध नीचे गिर रहा था, तो माँ यशोदा की ये भावना यही, ये कृष्ण अभी हमारे मेरा स्तनपान कर रहे हैं, थोड़ी बाद में क्या चाहे कहेंगे, है नहीं, दुग्ध जात द्रव्य हमें चाहिए, गोपाल कहेंगे नहीं कहेंगे, है मुझे मक्खन खिलाओ, ना केवल दूध ही पान करते रहेंगे बालक, तो अभी यदि दूध के यदि जो दूध उफान रहा था माने गर्म हो रहा नीचे गिर रहा है उसके यदि माँ यशोदा रक्षा नहीं करें तो उससे मक्खन कैसे कहाँ से आएगा, दूसरे दिन दूध कैसे बने, ये दही कैसे बनेगा, मक्खन कैसे आएगा, इसलिए माँ यशोदा गोपाल को क्या कर दिए, रोक दिए स्तनपान से, रोक दिए, और रोक करके दूध दूध को जो है संभालने के लिए में उसको, क्योंकि माँ यशोदा जो कार्य आदि कर रहे हैं वो कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण ऊपर से हम दिख रहे कृष्ण की सुख के लिए, और उन्होंने कृष्ण के सुख हो रहे हैं किस में, स्तनपान में, किंतु माँ यशोदा से रोक दिया इसे कृष्ण के क्या हो गया, गुस्सा आ गया, तो कृष्ण के सुख नहीं हुआ, जब माँ यशोदा बंद कर दिया उनके दूध पान करना, तो माँ यशोदा के क्या हो गया, कृष्ण के क्या हो गया, गुस्सा है। उधर चाणूर्मुष्टिक के साथ जब युद्ध, कृष्ण के बहुत युद्ध का आनंद हो रहा था, वो भक्ति नहीं कर रहे, क्यों, नहीं वो प्रतिकूलता आ रहे, चाणूर्मुष्टिक कृष्ण के जो युद्ध, कृष्ण के साथ जो युद्ध कर रहे हैं वो चाणूर्मुष्टिक के लक्ष्य नहीं था कृष्ण की सुख देना, और इधर माँ यशोदा जो काम आदि कर रहे हैं कृष्ण की जो रोक दिया स्तनपान करने, इसमें कृष्ण के सुख नहीं हो रहा, इसलिए कृष्ण तो कृष्ण क्या हो गया, गुस्सा हो गया, तो ऊपर से हम क्या देख रहे हैं, ये भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति के जो लक्षण जी बताया गया, कृष्ण के सुख होने चाहिए, कृष्ण रोचमाना वृत्ति होनी चाहिए, है कृष्ण के सुख होने चाहिए, कि इसमें कृष्ण के सुख नहीं हो रहे है? और उसमें कृष्ण के सुख हो रहा है किसमें, चारुर्मुष्टि के साथ युद्ध करने में
कृष्ण के सुख हो रहा था और माँ यशोदा के स्थान पर हम देख रहे हैं ऐसी कृष्ण की गुस्सा आ रही। समझ में आ रही कि नहीं? रोचा मन मने रुचिकर वृत्ति, रुचि मन वृत्ति, इतने समय तो क्या सुना रहे। जैसे भोजन में भूख लगने पर हमें जैसे भी सामग्री आ जाए, भोजन की वस्तु आ जाए, हम आंख बंद करके खाएं। और यदि भूख नहीं लगे, अनेक प्रकार के भोजन सामग्री आ जाए, आप दोष दिखोगे। भूख नहीं है ना, लेकिन किसने बनाया, ठीक से नहीं बनाया है, ये रोटी जल गई है, तीन रोटी की एक रोटी जल गई है, कहाँ चले गए वो, दूसरी रोटी ठीक से कुछ पका नहीं, वो दूसरी और जगह चला गया और एक रोटी रोटी पक गई ठीक से हुआ है, तो उसको आपने खाया, जो जल गई उसको खाया नहीं, जो थोड़ी सी कच्चा रह गया उसको भी खाया नहीं, कौन सा खाया, जो ठीक से। बात ही सही है कि नहीं? किंतु देखो जिसको भूख लग जाता है, ऐसे और भजन सामग्री मिल जाए, वो जैसे आंख बंद करके खा लेते, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है रुचोमना वृत्ति कहा जाता है, रुचिकर। इसमें तो पहले कहा दिया ना, रोचन वृत्ति रुचिकर है। इसलिए साधन भक्ति में, भक्ति में क्या कहा जाए, साधन भक्ति कहाँ तो शुरू हो जाता है, श्रद्धा से हम भक्ति शुरू करते जा रहे हैं। श्रद्धावान जन होन भक्ति अधिकारी, भक्ति के अधिकारी कौन है, जिसके श्रद्धा। किन श्रद्धा भी अनेक प्रकार की होती है, कई कमल श्रद्धा होता है, इसके दृढ़ श्रद्धा होता है और अधिव दृढ़ श्रद्धा होता है। श्रद्धा के अनुसार ही भक्ति की ये होता है, क्या बोले, क्लासिफिकेशन होता है, समझे। जिसके कोमल श्रद्धा होता है उसके कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है, मध्यम अधिकारी में श्रद्धा और भी थोड़ा बढ़े शास्त्रीय ज्ञान आदि आ जाता है, और उत्तम अधिकारी होने पर श्रद्धा दृढ़ता हो जाती है। इसलिए तीन प्रकार भी ये वैष्णव जी बताया गया, भक्ति के जो तीन स्तर ये बता दिए जा रहे, सब कुछ निर्भर करता है किसके किसके ऊपर, श्रद्धा के। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान जन हन भक्ति अधिकारी है। इसलिए काल हमने भी बताया, एक साधन भक्ति और एक भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। इस श्रद्धा से लेकर श्रद्धा सदुसंग भजन क्रिया अनुष्ठान निष्ठा रुचि आसक्ति, तो इसके क्या कहा जाता है, साधन भक्ति कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, लिख करके रखो, पूछूंगा, पूछने पर उत्तर अच्छा देते। तो श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक कौन सा भक्ति, साधन भक्ति, और इसके बाद आसक्ति के बाद रति, और रति और गाढ़ जब हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके भाव कहा जाता है। इसलिए भाव भक्ति कहा गया, और भाव और भी परिपक्व होकर के फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, तीसरी भक्ति से कहा जाता है प्रेमा भक्ति। याद रखना चाहिए, हर रोज तो बोलता रहता हूँ, और हर रोज एक ही बोलते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। इसलिए हम जो कुछ भी बताते जा रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं क्या, ये श्रद्धा ही हमारी भक्ति के क्या है, फाउंडेशन है, बेसमेंट है, यही श्रद्धा। जितने भी परिपक्व होते जाए वो उतने अलग अलग नाम धारण कर लेते हैं, वस्तु एक ही है। जितने वो परिपक्व होते जाएगा उसके उतने अलग अलग हम नाम दे देते हैं। और फिर काल भी बताया, अर्भ सिद्धा भक्ति, संघ सिद्धा भक्ति और सुद्धा भक्ति। भक्ति की अनेक प्रकार स्तर भी बताया गया, अनेक प्रकार भी क्रिया भी बताई, एक नहीं है। इसलिए सब कुछ मिलाकर के आप देखना कितने प्रकार की भक्ति हो जाए,
81 टाइप से भक्ति हो जाए, मैंने 81 प्रकार की भक्ति हो जाए, सबके एक एक करके गिनते रहो है? कितने 81 टाइप से भक्ति हो जाए है, सगुना भक्ति, निर्गुना भक्ति है, कितने प्रकार की भक्ति है, सब एक एक भक्ति 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 के गिनते रहो है। इसलिए कह रहे हैं भक्ति के क्या श्रद्धावान जन हन भक्ति अधिकार, श्रद्धा के ऊपर निर्भर करे सब कुछ, श्रद्धाई श्रद्धा के तारतम के ऊपर निर्भर कर रहे कौन किस प्रकार की भक्ति में आगे है। कनिष्ठ अधिकारी की भक्ति क्या है, सॉफ्ट होता है, कोमल श्रद्धा, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन है। कोमल श्रद्धा क्या है ठाकुर जी, उसमें अधिकतर होते क्या आरोप सिद्धांत भक्ति में आ जाता है सब है। शास्त्र ज्ञान की अभाव होने के नाते है भक्ति की वो ठीक ठीक से पालन कर नहीं पाते है। किंतु कनिष्ठ अधिकारी में एक विशेष, कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त है उसके एक विशेष गुण है, है? क्या गुण है, वो एकमात्र कृष्ण की भजन करता है कोई अन्य देव देवी का भजन नहीं करते है। कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण क्या है, है? बताओ कनिष्ठ अधिकारी है, ईश्वर की आराधना कनिष्ठ अधिकारी, ईश्वरीय अधीन तो मध्यम अधिकारी बोले अर्चे विवाह हरे पूजन जो श्रद्धेशु न तद्भक्त चरण से सभक्त प्राकृत स्मृत। इसे प्राकृत भक्त कहेंगे, शुद्ध भक्ति के एक्चुअल यदि डीपली एनालाइज है, यदि अंदर में हम प्रवेश करके देखें तो वास्तव रूप में वो भक्ति के क्या बोले भक्त के कैटेगरी में नहीं आ रहे, प्राकृत भक्त कहा रहे, कहीं कहीं उसके भी भक्ताभास भी नहीं भी कहा रहे, इतना सहज नहीं है। कृष्ण के भक्ति करता है ठीक है, किंतु कई विपद आपत्ति आ जाए वो कृष्ण भक्ति छोड़ देते हैं, है? ठाकुर जी के सेवा करे बहुत परिपाटी से सेवा करे, विग्रह देख करके आग्रह बन जाता है उसको, क्या देखा बोला, विग्रह देख करके उसके आग्रह बन जाता है, बाजार से खरीद करके लाता है हम ठाकुर सेवा करें, है? फिर उसके बाद क्या करते हैं, गलत ग्रह बन जाता है उसको, गलत ग्रह समझते हो, गले में जिसको कैंसर हो जाता है वो खा नहीं पाते हैं पी नहीं पाते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी के लेकर के आया है। प्राथमिक स्तर में बहुत श्रद्धा के साथ सेवा दिखा रहे, ऊपर से दिखा रहे बहुत कुछ, दो एक साल के बाद कर नहीं पाते तब से ठाकुर जी किसी को दे देता हूं, दे देते ना बहुत लोग है, बेटा के जन्म दे करके माँ कोई दूसरी के दे देते है, वो माँ माँ नहीं है, जो माँ कितने भी हो माँ के कहते पुत्र संतान को जैसे पालन पोषण करते है। पेड़ में फल लग जाता है, पेड़ के भारी थोड़ी लगता है, है? समझ में आ रही कि नहीं, किंतु हम ये उदाहरण दे रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं शास्त्र ज्ञान की अभाव होने के नाते वो ठीक से वो पालन कर नहीं पाते, अर्थ ठीक से कॉम्प्रोमाइज कर नहीं पाते वो है। इसलिए कह रहे हैं कनिष्ठ अधिकारी कौन है, अर्चा में, वो अर्चा में ठाकुर जी की सेवा में खूब लग जाते हैं, सब काम करेंगे, क्योंकि कथा सुनाने बैठा दो, नाम करने भी बैठो कर पाएंगे, यही तो कह रहे कथा भी सुन लेंगे किंतु नाम करना और भी मुश्किल हो जाएगा, मन क्यों उसमें भटकता रहेगा,
टीवी के सामने बैठ कर 3 लाख हरिनाम कर लिया बस। टीवी भी चल रही है और वो नाम भी करे, बहुत अच्छा। कितना नाम हो गया? 1 लाख। 1 लाख पूरा पूरा टीवी भी देख लिया और माला भी कर दिया। करते हो कि नहीं करते हो? कुछ नहीं होता है। कनिष्ठ अधिकारी के इसलिए करते अर्चे में वो हरे पूजन जो सदेश सदेश न तद भक्ति सुचान सभक्त प्राकृत सम्मित, वो शुद्ध भक्त के जो है वो सम्मान दे नहीं पाते क्योंकि शास्त्र की अभाव, शास्त्र ज्ञान की अभाव होने के नाते है। मूल क्या है? कनिष्ठ अधिकारी में कहते शास्त्र ज्ञान की अभाव रहता है। ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छे, जीवन में कुछ कष्ट आ जाए, कुछ अनहनी हो जाए तो क्या करते हैं? बोले ये ठाकुर जी की वजह से मेरा ये हो गया है। ठाकुर जी पूजा करते हैं, घर में कोई मौत आ गया, कोई मर गया, मरेगा तो कोई नहीं कभी, बोले इस कार्तिक महीने में वो क्या करते हैं, वो इस दिन हमारे वो मर गया इसलिए हम हाँ वो काम नहीं करेंगे, करते नहीं बहुत लोग। हाँ वो त्यौहार को हम नहीं करें, अरे उसके साथ त्यौहार के साथ उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे क्या संबंध था है? हम एकादशी पालन इसलिए नहीं करेंगे कि न एकादशी के दिन मेरा पिताजी चले गए, एकादशी तुम्हारे पिताजी के क्यों ले लिया? हम एकादशी पालन नहीं करेंगे। हाँ कहते हैं लोग किसी की देखना, अच्छा कभी तो लोग तो मरेगा एकादशी हो द्वादशी हो जिसके जब मौत आ जाता है, है? मरेंगे नहीं मरेंगे, मंदिर में हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारे घर में मौत, क्योंकि शास्त्र विचार है मित्र के साथ, वो तो जो जन्म ले तो मरेगा, आज नहीं काल, काल नहीं पुरुष, तो वो किसकी भी मौत कभी भी आ सकता है। बहुत लोग करते हैं ना हमारे घर में क्या हो गया, पारी नहीं वो सूतक हो है, क्या सूतक फूतक क्या, भगवान के पास आओ। ठाकुर जी के बंद कर दे, वो भोग नहीं लगेंगे, कैसे देखो विचार कैसे लोग बुद्धि है, है? मंदिर में देकर क्या, मंदिर में कौन पूजा करेगा है? ये सब क्या है, सब कनिष्ठ अधिकारी सब, तो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं है तो कनिष्ठ अधिकारी तब तो होता है। ठाकुर जी की सेवा करो है, शुद्ध सदा से ठाकुर जी की सेवा करो है कि नहीं? अरे ठाकुर जी की सेवा करो, कम से कम पुत्रवत तो सेवा करो, वात्सल्य भाव से सेवा सरल हो जाता है, माधुर्य भाव में सेवा करना थोड़ा कठिन होता है, दास्य भाव सख भाव में सेवा करना कठिन होता है, किंतु वात्सल्य भाव में सेवा अति सरल हो जाता है। कृष्ण के पुत्र मानकर के सेवा करना अति सरल होता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं अपने खाते हो कि नहीं खाते हो, और भगवान के भोग नहीं लगाओगे, भगवान के लिए नहीं दोगे, ये बुद्धि नहीं है। शास्त्र कहते भगवान, भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध है ना, किंतु संबंध के मैं भूल गए है। अपने बेटा को स्तनपान कराते कि नहीं? उस दिन कराते, सब कुछ कराते, और भगवान की सेवा के लिए, ठाकुर सेवा के लिए सूतक है और मंदिर में देकर क्या, मंदिर में पूजा थोड़ी करेंगे है, ठाकुर जी पढ़ा रहे हैं एक कोने में रख देते है, हाँ समझे, ब्रज मंडल परिक्रम में सब भीड़ लगा देते हैं ना, मंदिर में देकर के आ जाओ है। अच्छा रखते ही कि रखते नहीं, सब लेकर के आते हैं और मंदिर में रहते, पुजारी पुजारी के क्या करेंगे, एक एक कोने में रख देते हैं। ठाकुर जी के वस्त्र कौन, हर रोज ठाकुर जी के वस्त्र चेंज करना चाहिए, पुजारी के थोड़ी दाम है तो सब व्यक्ति 50 व्यक्ति मुख गोपाल दे करके गए है, वो तुम्हारे पढ़ा रहे एक साथ कोने में पढ़ा रहे है, इसलिए नहीं बात सही है कि नहीं? इसलिए कहते हैं विग्रह देख करके क्या होता है, पहले
आग्रह होता है, और फिर बाद में क्या हो जाता है, गलत ग्रह बन जाता है। गलत ग्रह बोला नहीं, गलत ग्रह क्या बोलता है, कैसे होता है, वो खा नहीं पाते, जैसे उसे उसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा कर नहीं पाते, विग्रह देकर के लेते लेकर के आते, ठीक ठीक से ठाकुर जी सेवा नहीं करो है, ठाकुर जी बोले मैं मजा चखाता हूँ तेरे, है फकीर बना देंगे। इसलिए देखो ठाकुर जी की सेवा ठीक से करो, अत्यंत ममता प्रीति से करो, है समझ में आ रही है, प्रीति से करो, नहीं रास्ते में चलते चलते एक पत्थर में मिल गया, बोले यही सालक ग्राम है, है कहीं से कुछ भी लेकर के उसमें रख देते, सारे मंदिर को क्या कर देते, सजा के देते, बहुत सुंदर, और किसी के भोग नहीं लगाते हैं, है अपने खाने के लिए अनेक प्रकार व्यंजन बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए हमारी अर्चन में वो हरे प्रजन जो सदेश न तत् भक्त जाने से भक्त प्रकृत स्मृत अद्वैत। किंतु कनिष्ठ अधिकार में एक अच्छा गुण है जिसे हमारे शास्त्र कहते हैं, वो क्या है, ये विग्रह जो सच्चिदानंद विग्रह, ये कम से कम ये भावना आता है, है ऐसा नहीं गुरु वाक्य के प्रति उसके क्या आ जाता है, ये विश्वास हो जाता है, ये ठाकुर जी सच्चिदानंद विग्रह है। किंतु मायावादी भी अर्चन भी करते हैं, है जितने मायावादी भी वो भी ठाकुर जी का अर्चन करते हैं, किंतु कोई विश्वास नहीं है ये विग्रह सच्चिदानंदमय हम लोग हर है, नमामि सरम सच्चिदानंद रूपम, क्या सच्चिदानंद रूपम, सच्चिद आनंदमय रूप भगवान, अद्वैतवादी में ये नहीं रहता। वो लोग जो पूजा आदि ठाकुर जी पूजा किस लिए करते हैं, है बोले मंत्र कंसेंट्रेट नहीं होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, किसी भी मूर्ति को लगा दो, है उसके चिंतन करो, फिर मन जब कंसेंट्रेट हो गया, एकाग्र हो गया, फिर हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्ति की सोचता है पत्थर है, किसी भी उसी कहते हैं किसी की भी पूजा करो, लिख कहते हैं काली शिव दुर्गा कुत्ता की भी मूर्ति लगा दो, उन लोग के यही विचार है, किंतु भक्त भक्त में क्या विचार है, नहीं ये मूर्ति स्वयं सच्चिदानंद में भी अनुभव नहीं हो रहे, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आ रहा, दूसरी बात, किंतु विश्वास है, गुरु वाक्य प्रति विश्वास हो जाता है। ये गुरुदेव ने कहा तुमने सेवा करो, सेवा करते सरल विश्वास से सेवा कर करना है। दक्षिण देश में एक ब्राह्मण जो है शिवग्रह सेवा करते थे, एक दिन उसके कहीं जाने वाला जाना था, है उसकी पत्नी बोले देखो मैं दो दिन के लिए तो जा रहा हूँ, ये ठाकुर जी की सेवा कौन करे, है उसके पत्नी बोले हमारे बेटा कर लेंगे, है बोले ठीक है, किंतु को बेटा छोटा था, है पाँच साल की तीन चार साल की बालक मान पाँच साल की बालक होगा, अभी तो उसके जननी संस्कार उपभीत संस्कार नहीं है, समझ में आ रहे जननी संस्कार नहीं है, ठाकुर जी भोग क्या कैसे लगाएंगे उसके पता भी नहीं है, कौन सा मंत्र के द्वारा ठाकुर जी भोग लगाना है, उसके पिताजी तो चले गए, माँ ने बेटा के बोले बेटा एक काम कर ठाकुर जी की तू भोग लगा दे, तो पिताजी तो घर में है ही नहीं, कहाँ गए हैं, तो ठाकुर जी भोग लगा दे, बेटा बोले मैं तो पता नहीं कैसे भोग लगाना है, उसके माँ कहने लगी बेटा ये कर, ये भोग की थाली है ना ठाकुर जी के सामने रख दो और ठाकुर जी के बोल दो ठाकुर जी खा लो, बस इतना ही तो कहना है, और क्या करें, क्या मंत्र जप करना है,
देखो माँ की सरल, माँ की जो बचाने के प्रति सरल विश्वास हो गया, वो बालक ने किया कि वो ठाकुर जी के सामने थाल रख दिया, तो माँ जो बनाया रख दिया, कहने ठाकुर जी ने खा हैं, सरल विश्वास। देखो आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ खा हैं। और देखा जी पिताजी ठाकुर जी के जैसे भूख लगाते हैं, वो तो अंदर में कभी नहीं गए, छोटा बालक है ना, बाहर से देखा ठाकुर जी के थाला अंदर में रख करके फिर पिताजी बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं ना है, मंदिर जी मंदिर में ठाकुर जी को भूख लगता है तब क्या करते हैं, पुजारी बाहर आ जाते हैं, मंदिर के दरवाजा बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार वो बालक उसी प्रकार ही वो क्या किए, दरवाजा बंद करके बाहर आ गए है। फिर खेलकूद आदि करने लगे कुछ समय तक, उसे पता नहीं कितने समय तक ठाकुर जी खा, चलो 2-5 मिनट 10 मिनट जैसे है। फिर आकर के दरवाजा खोला है, देखा क्या उसमें कुछ थाली में कुछ है ही नहीं, ठाकुर जी खा लिया, बहुत अच्छी बात है, बालक की बहुत प्रसन्नता हुई। और खाली थाली जो है बिल्कुल खाली था, ठाकुर जी खाली और थाली खाली, ठाकुर थाली कुछ नहीं है, माँ को दे दिया। बोले माँ बोले अरे प्रसाद कहाँ है, पर ठाकुर जी खा ली, ठाकुर जी खा लिया, अच्छा खाली खाली बस हो गया ना। बोले अरे नहीं, बोले हाँ माँ ठाकुर जी के आपने बोला, ठाकुर जी खा लिया है। माँ सोचने लगी बालक शायद कहीं खेलने कूदने चले गए और बिल्ली अथवा और कोई जो है आकर के खा ली। बालक के बाद पूछना तुम दरवाजा बंद किया था ना, कैसे खा ली। ऐसे 3 दिन लगातार है वो बालक ठाकुर जी की खिलाने में, मैंने थाली राख दिया ठाकुर जी खा है। उसके 3 दिन के बाद पिताजी जब आए पिताजी जब आए उसके माँ पूछने लगी, ए उसके पति के कहने देखो ये हमारे बेटा ठाकुर जी के जो भोग दिया ना ठाकुर जी खा ले। ब्राह्मण कहने लगे कैसे संभव है, मैं ब्राह्मण हूँ, कितने विधिवत मैं ठाकुर जी की भोग लगाते हूँ, हमारे सामने तो कभी खाली थाली आती नहीं है। क्या तुम झूठ बोले, हो सकता है बालक कहीं चले गए और बिल्ली अथवा कोई आकर खा ले। बोले नहीं मेरे बालक कभी झूठ नहीं बोलता है, बोले ठीक है आज बच्चा के बोलना जे पिताजी कहीं बाहर गए हैं तो ठाकुर जी के भोग लगा, ऐसे कह करके देखो वो बालक के हाथ में थाली दे दिए सब कुछ बना करके। बोले आज तो पिताजी कहाँ गए हैं आज तो ठाकुर जी के भोग लगाओ जैसे खिलाते हो, बालक सरल स्वभाव है, ठाकुर जी के सामने थाली रख दिया, कहने लगे ठाकुर जी आ जाओ खा लो। ठाकुर जी बिल्कुल उस दिन तो बिल्कुल नीचे सिंहासन से आ जाते थे ना आगे, 3 दिन लगातार सिंहासन आगे खा ली, अभी वो नहीं आ रहे। बालक रोने लगे अरे ठाकुर जी आते क्यों नहीं है, देखो आज ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके वो नीचे उतारने लगे, ठाकुर जी नहीं आ रहे, बिल्कुल आज जैसे बिल्कुल जिद में ठाकुर जी के, ठाकुर जी हिला नहीं पा रहे आज है। पहले ठाकुर जी तो अपने आप मन उतर करके आ जाता था है, आज तो ठाकुर जी बिल्कुल नीचे उतर नहीं आ रहे है, हिलाने लगे नहीं आ रहे। बेटा को बच्चा रोने लगे, देखो आप नहीं खाओ तो माँ मुझे मारेंगे पिटाई करेंगे, बताओ क्या हो गया क्यों नहीं खा रहे। बालक रोने लगे है ठाकुर जी खाओ, किसी प्रकार से ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके नीचे तो उतार, क्यों ठाकुर जी नहीं खा रहे। फिर बालक रोने लगे अरे तुम खा लो नहीं तो माँ मुझे मारेंगे, खाली ये भरी थाली कैसे ले करके ठाकुर जी खाएंगे। उस समय ठाकुर जी कहने लगे देखो क्या बोली, अरे बेटा सुन
मैं तो तुम्हारी सरल विशेष में हर रोज खा ली, किंतु आज तुम्हारे पिता के विश्वास नहीं है। ये विग्रह साक्षात सच्चिदानंद है, ठाकुर जी भोजन करते। बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले मेरे मूर्ति के ना पीछे वो छुप करके देख रहे हैं। आज तब भी ठाकुर, तब भी वो बालक कहने लगे नहीं आप खा लो। बालक इस बार 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 सरल स्वभाव से बोलने पर ठाकुर जी खाना शुरू कर दिए। इतने समय उनके पिताजी आकर कहने लगे हे ठाकुर जी आप सब खा लेते हम लोग क्या खाएंगे। ऐसे करके ठाकुर जी और खाए नहीं, बिल्कुल पूर्ववत मूर्ति में बैठे रहे। इसके आगे कहते किसी की कहते हैं जी उसको बोले जा तेरे बेटा छोड़कर तेरे बंग से सब ढंग से हो जाए। हम जाते हैं ना वो जगन्नाथपुरी में अलालनाथ जाते हैं, उसके अलवर की कथा हम श्रवण करते हैं। हम इसलिए तो कह रहे हैं सरल विश्वास जब तक नहीं हो रहे तब तक हम भक्ति में प्रवेश कर नहीं पा रहे हैं। और उसमें भक्ति किसमें होनी चाहिए एकमात्र? कृष्ण में, विष्णु में भक्ति होनी चाहिए। है अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। भक्ति प्रेम प्रति किसमें होनी चाहिए? एकमात्र विष्णु में, भगवान। क्यों हम जो स्वरूप तो क्या है, कृष्ण के नित्य दास है। हम गणेश के दास नहीं है, शिव के दास नहीं है, दुर्गा काली देवी के हम दास नहीं है। हम किसके दास हैं? कृष्ण के दास। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तत्शक्ति भेदा भी दास। अभी ये तत्व ज्ञान हमें आ जाए कम से कम, तब हम और देव देवी की पूजा छोड़ देंगे। हम देव देवी की पूजा क्यों छोड़ नहीं पाते? क्यों हम तत्व सिद्धांत में ठीक से प्रवेश कर नहीं पाते? जो लोग कम से कम तत्व सिद्धांत में प्रवेश कर जाते हैं और कोई देव देवी की पूजा नहीं करेंगे वो है? बात ऐसे ही है कि किसी घर में जाओ किसी के कितने देव देवियां मंदिर आदि 33 करोड़ को रख देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। बल्कि किसी को दुख देना नहीं चाहिए। आप दुख देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं क्या? लोग कहते हैं जी हम किसी को दुख देना नहीं चाहते। इसको हटा दूं तो नाराज हो जाएंगे। अनेक प्रकार के कुसंस्कार हमें पड़े, हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, सुपरस्टिशन सब पड़ा हुआ है, जिससे कोई लॉजिक नहीं है। तत्व सिद्धांत कुछ है ही नहीं उसमें, केवल एक कुछ संस्कार में जीव पड़े हुए हैं उसमें। परंपरा में जो कर दे वही होता है। अरे दो दो चार होता है कि छह होता है? अब बताओ, कोई कहते नहीं हमारे पिताजी ने कहा छह है, हम गांव के रहने वाले, तुम शहर के रहने वाले हो इसलिए दो दो चार बोल रहे हो। किंतु वास्तव क्या, दो 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 टू प्लस टू फोर होता है कि छह होता है? चार होता है। गांव में गांव की बात, गांव के लोग हो अथवा शहर के, दो 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 तो जो तो चार तो होता ही है ना, छह हो जाता है। आप बताओ, कहते नहीं नहीं हम गांव के रहने वाले, हमारे पिताजी और पिताजी पिताजी सब लोग ने कहा क्या दो दो कितना हो गया छह, वो छह ही मानेंगे, तुम जितना ही बोलो हम मानेंगे। तो इसे ही कहते, कहता हम ये पूजा आदि कर, हमारे परंपरा में पूजा चल रही, हम कैसे छोड़ दे है? हम ये व्रत नहीं रखा तो कोई अनहोनी हो गया तो फिर, और जो नहीं करते उसके अनहोनी होता है कि नहीं होता है? उसके घर में मौत नहीं होता है? जिसको करते वही तो होता है। इसलिए हम इसे करें वास्तविक तत्व ज्ञान में, सिद्धांत में थोड़ा आज शास्त्र में। हम सब जीव के क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के हम दास है, ये हमारे स्वरूप का तो परिचय अभी तक चले कर सका है। कहते ना वही हम पकड़ करके रखेंगे जो हमारे है पिताजी और पिताजी के पिताजी को बोला था दो दो छह।
है, द्वैत छय थोड़ी होता है। अरे जीव हम सब कृष्ण के दास है, भगवान के दास है, है? कोई देवदेवी की निंदा करना नहीं है, सबके सम्मान करो, आदर करो, किंतु निष्ठा गोविंद में, यही तो कहते जा, है? किसी की निंदा मत करो, सबके सम्मान करो, किंतु निष्ठा किस में होनी चाहिए? कृष्ण, कृष्ण सेवा। इसलिए कहते हैं ऐसे छोड़ नहीं पाते, एक काम करो, सबको रखो और कृष्ण के ऊपर रखो, कृष्ण के भोग लगाओ, और कृष्ण के भोग लगा करके उसी प्रसाद को क्या करो, सारे देवदेव के बांट दो, देखो देवदेव प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी की बात क्या है, जगन्नाथपुरी में जो महादेव रहते ना, है पहले जगन्नाथ जी के भोग लगते हैं और उसी प्रसाद को महादेव दिया है। शिव आदि समस्त देव देवता प्रभु की प्रसाद, गोविंद की प्रसाद ग्रहण करने के लिए इतने उत्कंठित होते हैं, है? क्या होता है, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते, है? इसलिए गीता में भगवान का जपन्न देवता जजंते सद्धान्वित, जो अनन्य देवदेव के भजन आदि करते हैं, है? वो विधान नहीं है, अविधि पूर्वकम, विधि नहीं है, स्वतंत्र रूप में कोई देवदेव के पूजा मत करो, ठीक है? देवदेव के सम्मान करो, गोविंद की अनुगत, गोविंद की स्तर में स्थापित होकर के, गोविंद की प्रसाद, गोविंद उनको तो देखो प्रसन्न हो जाते, देवदेव तो वही चाहते हैं कोई मुझे गोविंद के प्रसाद में दे, भगवान प्रसन्न हो। किंतु हम लोग के मन में इतना एक क्या होता है, ये संस्कार बैठा हुआ है, बोले गौड़ी मठ के लोग क्या बोलते रहते हैं, सब हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, दो दो छह बोल रहे, सुनेंगे नहीं, हजार बताओ, है आप करो तो सास बिगड़ जाएंगे, पड़ोसी जो है वो भी है, अरे तुम तो ये व्रत नहीं किया, कौन सा व्रत नहीं किया आज व्रत नहीं किया, अरे गोविंद के व्रत करने से सब हो जाता है, परमपति भगवान गोविंद की सेवा करने से सब प्रसन्न हो जाते क्या क्या आज भी अच्छा दिन है ना कितना आज पति भी कहेंगे अरे मेरे कल्याण के लिए तुमने व्रत नहीं रखा आज, वो भी कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, तो मुझे मानते नहीं हैं, हैं? अरे गोविंद के व्रत करो, मन जी मानने करो, हर क्या करेंगे, किन श्रद्धा तो उतने नहीं है, तो कहते अच्छा करो, है? जब कभी भगवान की कृपा हो जाए तो वो भी छोड़, वो अपने आप छूट जाएगा, है? इसलिए गीता में इसलिए कहा जाता है हजार हजार भजन करने वाले एक जो एकांतिक भक्त है ये बहुत कम है, तो हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, इसलिए कहा जाए साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, इसको हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए, सुनना चाहिए, साधन भक्ति किस स्तर कहाँ पर होता है, श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक, इसको कहा जाता है ये सब साधन भक्ति है, साधन भक्ति में पहुंच जाते हैं, यही साधन भक्ति परिपक्व होकर के फिर रोती में पहुंच जाते हैं, आसक्ति के बाद रोती, रोती और भी परिपक्व होने पर भाव भक्ति में आ जाते हैं, और भाव परिपक्व होने पर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हम इसलिए अगर ये सब तत्व सिद्धांत में जब तक प्रवेश नहीं करें, वास्तव रूप में नहीं आ रहे, इसलिए श्रद्धा जो श्रद्धा जो करे अनन्य श्रद्धास्तु अनन्य पायो वर्जनम भक्तिन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष, श्रद्धा की जो परिभाषा दे रहे हैं, श्रद्धा की अनेक परिभाषा है,
परिभाषा समझते हो, डिफिनेशन। श्रद्धास्तु अनन्य उपाय वर्जनम, न और दूसरी कोई उपाय नहीं रखते, एकमात्र कृष्ण में। कृष्ण में हमें क्या होनी चाहिए? श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। यहाँ पर कृष्ण कहने पर विष्णु भी समझना चाहिए, कोई देव देव के प्रति नहीं। श्रद्धास्तु अनन्य उपाय वर्जनम, भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष, भक्ति उन्मुखी वृत्ति होनी चाहिए। जो कि कुछ करते हैं, जैसे संसार में जो गणेश की पूजा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गणपत कहा जाता है। शिव की जो पूजा करते हैं उसे क्या कहता है? शैव कहा जाता है। सप्ति की जो उपासना करते हैं उसे कहा जाता है? शक्त कहा जाता है। शैव शक्त गणपत। और सूर्य की उपासना करते हैं उसे कहा जाता है? सौर कहा जाता है। और कौन रह गया? विष्णु। विष्णु की उपासना करने वाले उसे क्या कहा जाता है? वैष्णव। वास्तव में सब वैष्णव है भाई, आज सब विष्णु की दास है, सब विष्णु के सेवक है। क्यों माने क्यों ना माने, सब चैतन्य दास। आज जे ना माने तार हॉय सही पापी तार हॉय सर्वनाश। तो मानो ना मानो, सब किसके दास है? चैतन्य गोविंद के हम दास है, महाप्रभु के सेवक हम सब। माने या नहीं मानते क्या करें, संसार में दो प्रकार के लोग, एक आस्तिक और एक नास्तिक लोग होते हैं। ईश्वर के विश्वास करने वाले होता है उसे आस्तिक कहा जाता है, जो ईश्वर के विश्वास नहीं करते उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक है। और जो ईश्वर के विश्वास भी नहीं करते हैं और विश्वास भी करते हैं सबको करते हैं चलो, और सब किसी को नहीं करते हैं, वो कौन सा कैटेगरी में चले जाते पता ही नहीं है। नहीं, एकांत की निष्ठा। दो नाव में पैर रख करके कभी आप नदी पार नहीं हो सकते, एक में पैर रखो है, गोविंद के आश्रय रखो, गोविंद के भजन करो है। सारे देवी देवता गोविंद की भजन करते, इसलिए सब देवता वैष्णव वैष्णव भी आए भाई, वैष्णवी देवी कहते हैं ना लोग, जाते हैं कहाँ जाते हैं? वैष्णो देवी का इसलिए एकांत के निष्ठा में लाभ है, भजन करते रहे। इसलिए हम इसलिए करें इस पर, इसमें जो आ रहे हैं है। असुरों का प्रहार रूप अनुशीलन कृष्ण के लिए रुचिकर कैसे प्रतीत हो सकता है, इसके लिए श्रीमद् भागवत का श्लोकांश उद्धृत किया गया है। ये मनसीनाम इव सत संहार, अर्थात साधारण लोगों की दृष्टि से शत्रु के साथ भयानक युद्ध दुखजनक होने पर भी वीरों के लिए रुचिकर होता है। कृष्ण उनके लिए युद्ध, उसके साथ युद्ध करे, किसके साथ? चाणूर्मुष्टि के साथ है, कृष्ण की रुचि हो रहा है तो उसके भक्ति कहा दे, बोले नहीं, क्योंकि चाणूर्मुष्टि के जो कार्य क्या था? कृष्ण के मार्ग, उसकी रुचि वो नहीं था ये कृष्ण के सुख देने के लिए है। और वही जो मल्ल युद्ध कौन कर रहे हैं? सखा लोग कर रहे हैं, सखा लोग भी कृष्ण के साथ भी मल्ल युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। चाणूर्मुष्टिक भी लड़ रहे हैं कृष्ण के साथ, चाणूर्मुष्टिक का उद्देश्य क्या है? कृष्ण के मार्ग। और सखाओं की सुबल सिद्धाम आदि कृष्ण के साथ खेलकूद करते हुए भी मल्ल युद्ध करते हैं, किंतु सखा के लक्ष्य क्या? कृष्ण के सुख देना है। और चाणूर्मुष्टि के लक्ष्य किसमें है? कृष्ण के मार डालना, विपरीत होते जा रहे। ऊपर से युद्ध तो हो रही है, दोनों ही तो मल्ल युद्ध कर रहे हैं, और फिर आगे सखा रस से आगे माधुर्य रस में आ जाइए है।
राधा जी के साथ कृष्ण के साथ क्या हो रहे, मल्ल युद्ध हो रहे है। आज ललिता आदि सखा सखी आदि कहने लगे, कृष्ण तुम बहुत बड़े डीग हांकते हो, चलो हमारे सखी के साथ राधा जी के साथ तुम युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो है, कुछ है। बोला कृष्ण कहते हाँ क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। सखी लोग हंसने लगे, अरे तुम क्या युद्ध करो, देखते ही तुम्हारे शरीर कांप रहे। बोले नहीं नहीं युद्ध करो, अच्छा ठीक है, राधा जी के साथ हम जाते हैं ना कसरत है। राधा जी भी अच्छी तरह से मल्ल युद्ध के जो है पोशाक पहन ली, और कृष्ण भी युद्ध करने शुरू कर दिए। कुछ समय लड़ने के बाद कृष्ण के क्या किए दे, नीचे पटक दिया, और राधा जी उनके ऊपर ऐसे मान करने लगे ना, तो सखी लोग हाथ ताली देने लगे। बोले कृष्ण तुम हार गया। कृष्ण कहने लगे कहां से मैं हार गया। सखी लोग कह रहे तुम नीचे है, राधा जी ऊपर है, है? कृष्ण कहने लगे अच्छा बताओ कौन हार, जो हार मी नहीं गया, देखो नाक किसका है ऊपर है, है? राधा जी के नाक नीचे होगी ना, जब ऐसे उसका नीचे तो यही जब मल्ल युद्ध होता है। तो उस पर जो ये युद्ध देखो, ये माधुर्य रस के होते हैं, शक्कर रस के भी होता है, है? कृष्ण सुख हेतु है, कृष्ण के रुचमाना वृत्ति इसमें लग रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो विचार कर रहे हैं ये केवल कृष्ण के रुचमाना वृत्ति हो उसके भक्ति कहा जाएगा, ये नहीं है। उसमें व्यक्ति और अव्यक्ति दोष की विचार हो रहा है, इसलिए असुरों का घोर प्रहार कृष्ण के रुचिकर होने के कारण, यदि असुरों का इस चेष्टा को भक्ति मान लिया जाए तो भक्ति के इस लक्षण में अति व्यक्ति का दोष प्रवेश करता है। संस्कृत के अनुसार जो है अर्थात असुरों का देश भाव पूर्ण जो प्रहार रूप अनुशीलन है वह भक्ति का अत्यंत विरोधी है, है? इसे कहा जाता है अति व्यक्ति दोष है। और मां जसोदा की क्या हो रहे, जो मां जसोदा गोपाल के जो स्तनपान से रोक दिया, कृष्ण के सुख नहीं हुआ, किंतु उसमें हो रहा है अव्यक्ति दोष हो रहा है, क्यों कृष्ण के सुख नहीं हो रहा, नहीं होने पर भी उसे भक्ति कहा जाए, क्योंकि मां जसोदा किस कारण से गोपाल को अपने स्तनपान से बंद कर दिया, रोक दिया ना, निकट में जो दूध जो है रक्षा के लिए, दूध के रक्षा के लिए, अर्थात दूध नीचे गिर रहे, दूध किस लिए गिर रहे, दूध भी कि भी देखो हमने उस दिन कहा था, काल कहा था, चित जगत में जितने भी वस्तु है सब चेतनशील है, कोई जड़ वस्तु नहीं है, हैं? अप्राकृत चित जगत में जो कुछ भी वस्तु है सब क्या है, चिन्मयी वस्तु है, जतकिंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्ते तत् सर्वानंदमय गोपी गोपी सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्री स्फुटमित निश्चिंत जांचया ब्रह्मादिवी सस्पेण मोदियंता वंदते। चित जगत में जो कुछ भी वस्तु है सब कृष्ण सेवा के अनुकूल है, सब प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है, है? कहीं की जो प्रतिकूल वस्तु अभी दिखाई पड़ते रहते हैं आपातत माने बहिर्दृष्टि में जैसे प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है, किंतु प्रतिकूल नहीं है, सब कृष्ण सेवा के सब अनुकूल रहे, उस जगत में कोई प्रतिकूल नामे कोई वस्तु ही नहीं है, है? वही जो मैंने काल कहा था ना, जैसे सांप उदयर भी है, कहां पर है, गोलोक वृंदावन में अप्रकृषित जगत में सांप भी है, है? स्नेक है, किंतु सांप क्या करते है, राधा कृष्ण के मिलन की साधा कर देते, कल सुना है कि नहीं सुना, राधा जी मान करके चली गई, कृष्ण बंसी बजाई, राधा जी के मान नहीं, राधा जी मान नहीं छोड़ दी, है? तब कृष्ण ने क्या की, योग में आके स्मरण करने, और योग में सांप होकर के सांप के रूप धारण करके जब राधा जी के पास आई
तब राधे जी मान छोड़ करके कृष्ण के ही आलिंगन कर, कृष्ण कृष्ण मान, सुनाए कि नहीं कथा को, सुनी थी नहीं? हाँ, तो उसे चित जगत में जितने भी है ऊपर से दिखाई पड़ते जैसे सांप है, है? वहां पर भी शेर भी है, है? बाघ भी है, जो कुछ भी है वो सब कृष्ण सेवा के लिए सब रहते हैं। वो संघ जोग माही एक रूप में बने हुए हैं कृष्ण सेवा के लिए, इसलिए कहते हैं जतकिंचित तिनुकुल किकट मुकम गोष्ठी समुषी तत् सर्वानंद मुकुंद दैत लीलानुकूल परम, लीला अनुकूल कार्य, प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? यही तो कृष्ण लीला के वहीं पर। एक समय रास समाप्त हो गया, मध्य रात्रि था, राधा जी सखियों के साथ जो है जमुना की तट होते जा रही थी, रात्रि काल था। सुनिए लीला कथा, है बहुत सुंदर कथा है। कृष्ण कुछ समय तक राधा जी के पीछे पीछे चल रहे, जमुना के बाली जो बालू है ना, रेत का ना जो गीला हुई, राधा जी की चरण में लग गए, लगे हुए। कृष्ण कहने लगे राधे तुम्हारे चरण में जो बालू लग गया ना, इसको मैं अपने पिताम्बर के द्वारा मैं साफ कर दूं। देखो करुणामयी श्रीमती राधिका क्या बोली, नहीं नहीं मेरे चरण की चरण में जो बालू जो है उसे साफ मत करो, है? कृष्ण बोले नहीं साफ कर दे, तुम्हारे जरूर कष्ट हो। लोक लीला वो चल रहा, राधा जी कहते नहीं नहीं मैं, है? कृष्ण बार बार कहने नहीं राधे तुम्हारे चरण में ये बालू लग गया, इसको बालू को मैं साफ कर देता, है? राधा जी इतने सुंदर उत्तर दिया, है? कहते हे गोविंद मेरे चरण में कोई एक बार आश्रय ले लेते हैं उसको मैं चरण से कभी है दूर नहीं करता। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाश्रय, तारे मुई जाऊं बलिहारी, हमारे भक्तों ठाकुर जी कीर्तन में बोले। राधा जी के चरण में जो एक बार आश्रय कर लेते हैं, वह कर लेती है, है? वो कितने महाभगवान है, तारे मुई बलिहारी उसकी प्रशंसा करे। जो एक बार राधा जी के राधा जी करे मेरे चरण में, एक चरण में जो एक बार आश्रय कर लेती है उसके चरण से मैं कैसे दूर कर दूं, है? कितना सुंदर शिक्षा, राधा जी की कथा सुनो कितना लीलाए, है? राधिक इस्लाम लिख रहे राधिकार चरणाश्रय जे करे से महाशय, तारे मुई जाऊं बलिहारी। अहो कितना भगवान वो राधि, अपने चरण से कभी किसी को दूर नहीं करते, क्योंकि अपराग्ध चित जगत में वो बालू भी क्या चाहते हैं, हम ही राधा जी के चरण सेवा कर लें। राधा जी के चरण छोड़ करके कहाँ जाए, है? राधा जी के चरण में वो रहते सेवा करते, है? वो बालू हमारे से हमारे निकट वो बालू दिखाई पड़ रहे, है? हार्ड नहीं है, सख्त नहीं है बालू, वो बालू क्या हो जाता है स्पंज की भांति हो जाता, राधा जी के चरण में मानो लगते हो राधे तुम रास करते करते नित्य करते करते तुम्हारे चरण में जो जरूर कुछ कष्ट है, है? जैसे आप थके आते हैं तो उसके उसके चरण क्या करते हैं दबाते, है? ये ब्रजमंडल परिक्रमा के समय में गुरुदेव जो परिक्रमा करके आते थे, है? आज ना गुरुदेव के चरण में सेवा, है? थोड़ा गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का गर्म पानी से उनके प्यार धुलाते थे, है? फिर धीरे धीरे मसाज कर। तो हम इसलिए कर रहे हैं उसी प्रकार चित जगत में जो कुछ भी बालू से लेकर के धूल कणा सब गोविंद सेवा में रहते सब। इसलिए तो रघुनाथ दास भी श्लोक कर रहे हैं, ये श्लोक सब याद रखना, क्या बोला? जत किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समुषी तत् सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय व स्फुटमित निष्ठमित जांच ब्रह्मादि भी सस्प्रीण मोदियंत अबंधते। ओहो
वृंदावन की एक धूलिकना जो है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उसको क्या करते हैं, स्तुति करते रहते हैं, राधा जी के चरण की धूलम बन जाए है। आज कुछ नहीं बने राधा जी ने, कम से कम गोपियों गोपियों के चरण के नूपुर तो बन जाए। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे ना, क्या बोले, हरि बोल बुआर मदन मोहन ब्रजेर पथे चली बबो, हरि बोल बुआर मदन मोहन ब्रजेर पथे चली बबो, ब्रज गोपीर चरण नुपुर हुए रुनु झुनु सदा बाजी बबो, हरि बोल बुआर मदन मोहन। कीर्तन है कि नहीं, बंगला कीर्तन देखो है, कितना सुंदर ये भाव है, है? गोपियों की चरण की क्या बन जाऊं, नुपुर, नुपुर बन जाओ है, कृष्ण के नुपुर बनना की चाहते हैं है। एक कथा सुनाऊं, सर आप लोग सुने होंगे, सर कई बार मैंने बोला है, कृष्ण के चरण कमल, चरण में नुपुर है ना है, बाएं चरण के नुपुर और दाएं चरण के, दोनों चरण के नुपुर है, है? दक्षिण कृष्ण के दाएं चरण के जो नुपुर जो है, है वो बाएं चरण से नुपुर से वो बड़ा होता है, है? इसके कारण दाएं बड़ा होता है, चलो जिसे भी बड़ा होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इतना ही समझ लो बस, दाएं बाएं ज्यादा बोलते आप समझ नहीं। इसके भी एक सुंदर कथा है, हम नहीं बोले, पुराण में एक कथा पढ़ो है, इस कथा सुना, रामायण से एक कथा है, शायद आप लोग सुने के नहीं सुना है, अनेक तो रामायण है, वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा और रामायण में कहीं है, क्योंकि पंडित लोग इसके उदाहरण देते हैं। जब भगवान रामचंद्र सीता जी की वियोग में, विरह में तड़प रहे थे, कब, जब रावण सीता जी को हरण करके ले है, और रामचंद्र दुखी था, शाम के समय हो गया है, सीता जी के तो हमें नहीं मिला है, राम जी बहुत दुखित हो गए, मन ही मन चिंतन कर रहे थे है, ये वनवास के बाद जब मैं अयोध्या लौटूंगा है, मैं अयोध्या से क्या जवाब मैं क्या दूंगा, विशेष करके जो है जनक महाराज सीता जी के पिताजी कहेंगे हमारी बेटी कहाँ है, क्या मैं जवाब दूंगा उसे है, मेरे बेटी के साथ में लेकर के, मेरा बेटी कहाँ, आप तो लौट कर क्या, मेरे बेटी कहाँ है। लोग लीला के अनुसार भगवान रामचंद्र बहुत दुखी थे, एक पत्थर के ऊपर बैठे है ऊँचे, और अपने धनुष को जो है ऐसे करके है बैठे, आंखों से आंसू आ गए, आंसू के बूंद ठीक धनुष के नीचे गिर रहा था है, और जहां पर गिरने लगे धनुष के नीचे गिरने लगे है, और देखा क्या, उसके खून की धार प्रवाहित हो रहा है, खून है ना, इतना खून बहते हुए जा रहे। लक्ष्मण सामने बैठे हुए थे, लक्ष्मण नोटिस किया कि खून कहां से आ रहा है, लक्ष्मण रामचंद्र के बोले भैया ये खून कहां से आ रहा है, रामचंद्र कहने लगे देखो जरूर कोई इस माने मिट्टी के नीचे कोई प्राणी होगा है, उसके जरूर कोई चोट लगे, देखो खोदने लगे, देखा का एक मेडक है, धनुष के धनुष रखा ना मेरे, उसके नहीं, बिल्कुल उसके नहीं है, और उसके भगवान भगवान रामचंद्र के धनुष कितने भार होता है, है? चलो भगवान रामचंद्र कहने लगे मेडक तुम ऐसे धनुष के नीचे है, तुम्हारे ऊपर हमारे धनुष है, इसलिए तुम्हारे शरीर से खून निकाल रहा है, तुम शब्द क्यों नहीं किया, जब सांप जब पकड़ लेता है
सांप जब किसको मेढक के पकड़ लेता है, मेढक क्या करते हैं, टटर करते, क्या बोलते हैं, जहां में मुझे बचाओ बचाओ, यही तो बोलते हैं है? और तुमने उस समय क्यों नहीं चिल्लाया, क्यों नहीं, मैं धनुष को दूसरे स्थान पर ले लेते। मेढक ने कितने सुंदर उत्तर दिया है, प्रभु है? जब सांप पकड़े तो काल है, काल के गले में हम जाते हैं, हम सोचते हैं ये भगवान हमें रक्षा करो है, विपद में आ जाते हैं, हम किसको किसको पुकारते हैं, भगवान की पुकारते हैं, दुख में किसको पुकारते हैं, भगवान के, दुख दुख आ जाता है, क्या बोलते हैं, दुख में ठीक है, सुख में कोई ना कोई, और सुख में जो कोई सुमिरन करे दुख का, दुख में जब कष्ट आ जाता है सब हम लोग भगवान के निकट पुकारते हैं, प्रभु मुझे रक्षा करो, करते हैं कि नहीं करते हैं? सुख में कोई थोड़ी करता है, कोई संसार ठीक चल रहा है, खान पीन व्यवसाय वाणिज्य अच्छी तरह से चल रहा है, लपा बस माले माल होते जा रहे हैं, है ठाकुर जी बोले ये सब बकवास है, सब है कुछ करना नहीं, पूजा पूजा किया, हम अपने काम किया ये हमें मिला है, और देखो कुछ समय के बाद जब बिजनेस ठप हो गया तो मंदिर में आना शुरू कर देते टेक लगाते हैं। अच्छा बात ऐसे ही है कि नहीं है, वो मंदिर के चौखट के दबाते हैं, माने ठाकुर जी के चरण दबाते रहते हैं आदि है, अच्छी तरह से ठाकुर जी है मेरे सब ठीक कर दो है, और फिर ठीक हो जाता है फिर वो भूल जाते हैं, मंदिर में आना जाना फना जरूरत नहीं है। चलो जिस कथा हम सुना रहे हैं है। तो देखिए जब काल रूपी दुख कष्ट हमारे पास आ जाता है तब हम भगवान के निकट स्मरण करते हैं, प्रभु मुझे रक्षा करो है, कहते ही नहीं कहते है। और वही मेढक कह रहे हैं प्रभु जब आप ही तो काल स्वरूप ही है, प्रभु आप जिसको मारते उसको कौन रक्षा करे, किसको बुलाएंगे है? जब स्वयं भगवान मारने वाले हम किसको बुलाएंगे है? काल जब हमें करते हैं तब हम आपको बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं है? और स्वयं भगवान जब हमें मारते हैं हम किसको बुलाए, कौन मुझे रक्षा करे है? राखी हो रही मारे की और मारे हरी राखी, समझ में आ रही कि नहीं, जन संग हरी भगवान हमें जो मारे मरते, धनुष आपका ही धनुष है, आप ही हमें हमारे ऊपर रखे, मैं किसको बुलाऊं जो प्रभु मुझे रक्षा करो, इसलिए मैं सहन कर लू है। आस इसलिए मैंने किसको बुलाया नहीं, प्रभु के हाथ में मरना है तो ठीक है, सदगति हो जाएगा। उस समय भगवान रामचंद्र मेढक के पूछा, अच्छा मेढक तुम ये बताओ तुम मेढक होकर कैसे जन्म लिया, सुना कि नहीं सुना, क्या बोला, तुम मेढक होकर कैसे जन्म लिया? उस समय मेढक ने कहने लगे, प्रभु मेरे जीवन की इस मेढक जीवनी में आने के पहले की जीवनी के मैं आपको विवाह सुनाता हूं, मैं ये गुरु के मैं सेवा करता था, चातुर्मास के समय था, मैंने नाखून आदि नहीं काटा, 4 महीने नाखून काटना नहीं चाहिए है? तो मैं नाखून नहीं काट, नाखून बड़ा हो गया था। एक दिन गुरुदेव के मैं चरण गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, गुरुदेव के मैं चरण सेवा कर रहा था है? और मेरे हाथ के नाखून जो है गुरु के चरण में लग गया, खुरश आ गया, और इतने समय गुरुदेव जग गए, गुरुदेव बोले मूर्ख तो मेढक के भांति है मेरे चरण में, तो वो निशाना लगा दी मेढक ने, उसके ये नाखून ऐसे ऐसे कर जा तू मेढक होकर जन्म, गुरुदेव ने मुझे ऐसे अभिशाप दिया, या तू क्या होकर जन्म लो मेढक, तो मैं गुरुदेव के चरण पकड़ करके मैं कहने लगे गुरुदेव इस मेढक जनी से मेरा उद्धार कैसे होगा, कर जाओ
त्रेताजुग में भगवान रामचंद्र आएंगे तुम्हें इस मेढक जनि से तुम्हें उद्धार करके है तुमको भगवत धाम में ले जाए। इसलिए प्रभु मैं इसलिए मेढक जनि हूँ आज, और गुरु के वाक्य के अनुसार आप मुझे है इस मेढक जनि से आप रक्षा करो, है मेढक जनि से मुझे उद्धार करो। तो भगवान रामचंद्र कहेंगे तुम कुछ वर मांग लो, कुछ वर तो लेना है ना। तो उसे मेढक कहने लगे प्रभु आप मुझे अपने चरण कमल की नुपुर बना लो। हैं भगवान रामचंद्र कहने लगे मैं है वनवासी हूँ, मैंने वन में हूँ 14 साल के, है मैं तो अपने अपने कम ए, क्या बोले चरण के जो है पैर के मैं नुपुर नहीं बनानी, जाओ मेरे रामलीला के पश्चात जब कृष्ण होकर मैं जाऊँ तो मेरे चरण की नुपुर बना करके रहा। ऐसी कथा है रामचंद्र की, अनेक कथा अनेक पुराण में कथा है, एक कथा नहीं है, है? तो कहने मेरे गुरुजी कहाँ है, बोले तुम्हारे गुरुजी भी कृष्ण के और दूसरी चरण के एक नुपुर, तुम एक चरण के नुपुर बनो और एक जन बोलो वृंदावन बिहारी लाल, आप कौन से किसके चरण के नुपुर बनना चाहते हो, गुरुदेव नुपुर पहनते हैं क्या, ये भी आधा पागल कर दे, है राधा जी के चरण आप ही करने, ये जो नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन है क्या बोले हरी बोलबो आर मदन मोहन, है इसमें हरी बोलबो आर मदन मोहन है ब्रजेर पथे चली बगो है जाब गो बज पुरपुर हब गोपीर पायर नुपुर है नुपुर हे रुनु झुनु बाजी बगो राधा कृष्ण रूप माधुरी हेरी बधु नयन भरी निकुंज दारिर दारी रही बगो। कितना सुंदर ये भाव है, है इसके बंगला कीर्तन पर आनंद आ जाए, हरि बल्ब आर मदन मोहन किसके नुपुर होंगे, राधा आदि गोपी ब्रज गोपी के है नुपुर, इतने सास सुभाग गए क्या, यही तो बताते जा रहे हैं। आज कितना सुंदर भाव है देखो इसमें, चलो अति व्याप्ति का दोष। अच्छा हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं अतः मल्लयुद्ध में असुरों का घोर प्रहार कृष्ण के रुचिकर होने के कारण यदि असुरों का इस चेष्टा को भक्ति मान लिया जाए तो भक्ति के इस लक्षण में अति व्याप्ति का दोष प्रवेश करता है, अर्थात असुरों का देश भाव पूर्ण जो प्रहार रूपी अनुशीलन है वह भक्ति का अत्यंत विरोधी है। किंतु कृष्ण को रुचिकर होने के कारण उसमें भक्ति का लक्षण व्याप्त दिखाई पड़ता रहता है। पुनः माँ जशोदा मैया कृष्ण के गोद में बैठकर स्तनपान करा रही थी, इधर चूल्हे पर दुग्ध उफन कर आग में गिर रहा था, यशोदा मैया अतृप्त कृष्ण को छोड़कर दुग्ध रक्षा के लिए चली आई। माँ यशोदा दूध के किस लिए बचा रहे हैं, कृष्ण सेवा के लिए है, गोविंद सेवा के लिए ही माँ यशोदा दूध को बचा रहे, क्योंकि अभी कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं बहुत प्रसन्न हो रहे, क्योंकि थोड़ी बाद में क्या कहेंगे मुझे मक्खन खिलाओ अथवा दुग्ध जात जो द्रव्य जो है वो मुझे है मिल्क प्रोडक्ट मुझे दो, कहाँ से दे देंगे, अपने दूध के स्तन के द्वारा दूध के द्वारा मक्खन नहीं होगा, गायों के दूध को सही तो मक्खन होगा। इसलिए कृष्ण अपेक्षा कृष्ण सेवा के वस्तु के प्रति हमें अधिक क्या होनी चाहिए, आदर होनी चाहिए। क्या बोला कृष्ण अपेक्षा जो कृष्ण सेवा करें, कृष्ण सेवा की अपेक्षा कृष्ण सेवा की जो वस्तु जो है
उसके अधिक आदर होनी चाहिए है, उसके लिए हमें चिंता होनी चाहिए। हाँ सर, उसी तब होता है कि आप संबंध ज्ञान और ममता के साथ कृष्ण सेवा की जो वस्तु उसका हम कैसे संरक्षण करें है। अरे मन मंदिर के लिए आप लोग क्यों लड़ते हो भाई, ये तो पत्थर है, मंदिर टूट जाएगा फिर बन जाएगा। अरे नहीं, ये कृष्ण सेवा की ही वस्तु है, है? लोग कहते हैं भले वही राम मंदिर वही चाहिए जगह में, बोले हाँ वही जगह रामचंद्र राम जहां पर प्रकट हुए थे, क्योंकि ये ठाकुर जी की स्थान है, हम तो और कहीं भी बना ले सकते हैं, किंतु ये स्थान ठाकुर जी के स्थान है, है? लोग बहुत कहते ना जिसके विधर्मी लोग और है? हिंदू विरोधी जो है, सीधी बात कह दो है, तो भाई हिंदू लोग क्यों इसमें पड़े हुए हैं, उसमें क्या है, है? हिंदू होकर भी हिंदू विरोध करते रहते हैं, हमारे भारतवर्ष की यही जो है त्रुटि है, दोष है, है? और कुछ नहीं। अरे ठाकुर जी के जन्म स्थान है, इसी स्थान पर है, है? मंदिर यहां पर बनाना चाहिए, ठाकुर जी की जन्म स्थल है, उसमें बनना चाहिए हमें, है? गोविंद की भगवान की स्थान है, उस स्थान पर गोमेद विधुर्मी आग्र के क्या करेगा, गोवध करेगा है, करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हमारे ठाकुर जी का पवित्र स्थान है, है? कृष्ण जन्मभूमि को जो भी हम कहते हैं, हम किसने किसने कहते हैं है? भगवत सेवा के हमारे वो अपराकृत वस्तु है, वो स्थान हमारे प्रकृत है, है? समझ में आ रही है, ठाकुर जी की प्रकट स्थान है वो है, इसके लिए हमें रक्षा होनी चाहिए। कुछ हिंदू लोग वो विरोध करते रहे, हिंदू हिंदू में ही विरोध करते रहते हैं, ऐसे इसलिए तो गीता में कहा था दो भूत स्वर्ग लोग उसमें दैव आसुर च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर तद विपर्जय, दो भाव संपन्न व्यक्ति, असुर भाव और एक दैव भाव है। असुर लोग कहते हैं ये ढंग से कर दू सब, कोई जरूरत नहीं है, और भक्त लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं भगवान की वो दिव्य पुण्य भूमि है वो है। जैसे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की जीवन चरित कथा श्रवण हम लोग कर रहे थे उसे है, जो महापुरुष जन्म भीटा स्थान जो है वो मुसलमान लोग क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिया था है। चलो उस समय तो हो गया था, आज होते तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर नहीं पाते है। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी महाप्रभु के जन्म भिटा के जो है उद्धार कर दिया, यदि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी नहीं होते उस समय है, और वो स्थान को यदि नहीं लिया जाता था है, उसे महाप्रभु को स्थान को लेना इतने सहज नहीं होता, आज वर्तमान जो परिस्थिति है उसके हाथ में लेना इतने सहज नहीं, लेकिन देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की कृपा, शिव भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से महापुरुष की जन्मभूमि है हमें प्राप्त है। जो मुसलमान लोग क्या बनाया था, कब्रस्थान बना कर रखा है, आसन भले ही वो नहीं बना पाया, क्या बोले, मस्जिद नहीं बने हाँ समझ, यही सौभाग्य है हम लोग, नास्तिक लोग नास्तिक लोग है ना, अपने स्वार्थ के लिए है, हाँ सर विधर्मी कर ही नहीं, सब अपने आप में लड़ता रहता है, अपने स्वार्थ के लिए लड़ता रहता है और कुछ नहीं, इसलिए हम इसमें कह रहे हैं ये भगवान अभिका भगवान की
सेवा की वस्तु के प्रति हमें अधिक आदर होनी चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं? यही वास्तव बताइए, प्रभु के स्थान है, प्रिय स्थान है, भक्ति उसमें तब होती है। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं क्या? इसलिए कृष्ण की और रुचिकर नहीं हुआ। अच्छा, माँ जसदा के लिए क्या हो रहे? कृष्ण के रुचिकर नहीं हो रहा है, ये माँ जसदा उसको स्तनपान करना बंद कर दिया, इसलिए कृष्ण के क्या हो गया? क्रोध आ गया है आज। इसलिए कृष्ण ने क्या की? दधि मंथन, जो मटका जो है, दधि मंथन वाली मटका को क्या कर दिया? फोड़ दिया है। बालक की स्वभाव एक होता है, एक पत्थर लेकर के वो मटका के पीछे के नीचे के स्थान होता है, थोड़ा पतला होता है, बालक की बहुत बुद्धि भी रखता है, है? हम कहते हैं जो बालक जितने चंचल होता है वो उतना ही क्या होता है? बुद्धिमान होता है। जो बालक जो छटपट छटपट करते ना, एक स्थान में नहीं रहता है, उधर घूमता रहता है, ये करता रहता है, उसके लक्षण ये होता है जब बड़ा होगा ना जरूर बुद्धिमान होगा है। और जो बालक धीर स्थिर होता है, बात नहीं करता है, तो समझना चाहिए ये बालक कम बुद्धिमान हो रहा है बचपन में है। जो बालक जितने जो क्या नटखट होता है, माता पिता तो परेशानी हो जाता है, हाँ समझे, बालक इधर दौड़ता है उधार दौड़ता है, है? इसलिए कृष्ण लीला में देखो कितने मधुरता आ जाता है, है? को भी छोटा बालक गोपाल क्या करते हैं? कुत्ते के मुंह में हाथ घुसा देते, सांप को पूछ पकड़ करके ले आला है, नट खड़े है। गुरुदेव सब कथा श्रवण कराते थे, है? और मक्खन क्या रखा? ऊपर रखा गया, माने मटका एक छीके पर रख दिया। और गोपाल कम नहीं है, कितने भी है, बदमाश है, कैसे देखो बुद्धि कैसे है। धीरे धीरे एक बछड़ी का जो है कान पकड़ के ला है, ऐसे खींच के ला, और ठीक मटके की जैसे सामने उसको क्या कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं, और उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं, और चढ़ करके मटके के जो है पकड़ दे, एक हाथ में सिक्का के पकड़ लिया है, एक हाथ में मक्खन लेने के लिए हाथ घुसाते हैं, और इतने समय वो बछड़ी क्या करता है? भग जाता है, वो लटका रहा था वहां, और मैया 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 करके रोता रहता। देखो कैसे लीला है, इसे कहते हैं इंद्री कथा लीला भी आनंद कुंडे। गुरुदेव इस कथा को इंद्री कथा लीला भी आनंद कुंडे, इसी श्लोक के जो कितने उदाहरण, कितने दिन भी बोलते, 4 दिन 6 दिन जो है इसी लीला को वर्णन करते, एक लीला को इंद्री कथा लीला भी आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जंत मच्छपयंत। कितना मधुर, ये दाम मंदिर लिखा देखो, माँ जसदा परेशानी होता है बालक के लिए है। एक तो बालक नहीं था, अब वृद्ध काल में एक बालक हुए, वो भी कैसे नटखट है, कैसे है? छोटा बालक की रक्षा करना कितने कठिन होता है आज। वो भी दौड़ते दौड़ते एक माँ जसदा एक बार क्या की, गोपाल के हाथ में एक बल दिया, अच्छा चलो खेल दिल करो, छोटा बालक है ये बॉल लेकर गया घूम गए, और फेंकते फेंकते वो बॉल कहाँ निकली, नीचे गिर गया, कुएं में नीचे गया, गिर गया, बालक ऐसे झांक करके देख रहे थे है, छोटा बालक है ना कृष्ण गोपाल जो। इतने समय माँ जसदा के कहने लगे, मैया देखो मेरा बॉल चोरी करके ले गए, कौन देखो नीचे है ना, एक चोर है। माँ जसदा कहने लगे, देखो तुम्हें एक चोर नहीं है, दो चोर है। बोले क्या? बोले तू भी है मैं भी हूं, उन्हें परछाई है ना, किसके परछाई है? कृष्ण की परछाई है और माँ जसदा के। कृष्ण पहले कर रहे हैं वो अपने परछाई को कर रहे हैं, वो चोर है, वो मेरा
बल्कि नहीं चोरी करके नीचे रख दी। माँ जुदा कर नहीं, चोर भी है और चोर के माँ भी है देखो। ऐसे ऐसे सुंदर लीला आदि होते हैं, सर्वज्ञता और मुग्धता कैसे देखो, साधारण बालक के भांति ऐसी काल है। इसलिए कहते हैं ऐसे इस प्रकार लीला आदि करते रहते गोपाल भगवान में, यही कहते हैं सर्वज्ञता और मुग्धता। मुग्धता नहीं रहे, मुग्धता समझते हो है, जहां पर भगवत्ता जो है अवृत रहता है उसी मुग्धता से कुछ नहीं जानते और साथ ही साथ वो सब कुछ जानते है। ऐसे से कृष्ण के से मधुर लीलाएं जो है, इसलिए माँ यशोदा करे बोले चोर भी है ये कुएं में, चोर भी है और उसके माँ भी। इसी प्रकार लीला आदि कृष्ण करते करते है। इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन में कितने मधुर मधुर लीला आदि करते रहते हैं है। सारे गुरुदेव इसके जय बता रहे कितने सूक्ष्म से है। हम इसलिए करें कृष्ण अपेक्षा कृष्ण से, कृष्ण की सेवा की वस्तु की जो है हमें अधिक आदर होनी चाहिए है। क्योंकि कृष्ण सेवा और सेवा की वस्तु वो भी चिन्मय है, है? जैसे कहते हैं गुरु और गुरु के चरण पादुका में कोई भेद नहीं, जैसे गुरु कृपा कर सकते हैं उसके चरण पादुका भी कृपा कर। इसलिए हम मंदिर में क्या रखते हैं, गुरु की चरण पादुका रखते हैं। यहाँ पर है कि नहीं, नहीं ऊपर है, सब ऊपर है, है उसमें शक्ति है आज गुरु के, गुरु जैसे कृपा करते हैं, गुरु की व्यवहार जो वस्तु जो है उसको चिन्मय, उसमें शक्ति रख है। हम समझ नहीं पाते है भगवान और भगवान की जो वस्तु जो है उसमें शक्ति है। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे भगवान की जो माला जो है, गले की माला, भगवान की वस्त्र, ये सब क्या है, माया तुम्हें स्पर्श कर नहीं पाए। इसलिए उद्धव जब मथुरा से जब वृंदावन जा रहे हैं, स्वयं भगवान ने किया कि अपने माला अपने वस्त्र है, यहां तक भी कृष्ण अपने रथ को भी उद्धव को दे दिए, जाओ लेकर के जाओ है। उसमें शक्ति है, हमें चिन्मय बुद्धि की अभाव होने के नाते हम उसमें सोच रहे हैं ये जड़ है, जड़ नहीं है, शक्ति है उसमें है। इसलिए अभी हम जो कह रहे हैं जी, माँ यशोदा क्या कर रहे हैं, दूध की रक्षा करने के लिए चली गई है। आज ये भावना भी हमें व्यक्त कर रहा है, माँ यशोदा कृष्ण सेवा संग कर रही है और क्या कर रही है, दूसरे की भी सेवा में, सेवा के लिए वो भी नियुक्त करा रही है। इसलिए दूध मानो सोच रही है ये माँ यशोदा के तन में इतने दूध है, अनंत काल तक अनंत कृष्ण, कृष्ण के एक नाम क्या है, अनंत, अनंत कृष्ण, अनंत काल तक माँ यशोदा के दूध पान करते, स्तन पान करते रहे, वो दूध कभी समाप्त तो नहीं होगा, ना कृष्ण के पेट कभी भरेगा है, दोनों ही अनंत है। इसलिए दूध सोच रही है क्योंकि चित जगत में सब अपरागित है, दूसरे तो मैं तो कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन व्यर्थ है, धिक्तांग धिक्तांग, यदि मैं कृष्ण सेवा में नहीं लगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, है? इसे ऐसे मान करके मनु वो दूध क्या हो रहे है, उफन करके नीचे गिर रहे, मैं अपने प्राण को समाप्त, कृष्ण सेवा में नहीं लगाते जीवन क्या है, व्यर्थ है,
कहना वो अचय प्राण की सुख लगिया नर्तम दास गए कहना नागिलु मरिया नर्तम दास किस कारण से हमें जीवित है भगवत सेवा के लिए है? यदि भगवत सेवा नहीं किया तो बेकार है हमारा जीवन है? देखो अपराजित जगत में ये भी सेवा के लिए कैसे तड़पते रहते भगवत सेवा वंशाग्र कृपा पदिता अनंग पावने भो भैस बल वृंदावन बिहारी लाल क्या ये रघुनाथ दास गोस्वामी के श्लोक है रघुनाथ दास गोस्वामी के नहीं विलाप समझे भी नहीं स्तबावली में मिलेगा स्तबा हाँ स्तबावली ना एक एक है कई स्तबावली स्तवामृत लहरी और स्तपमाला अलग अलग है एक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है एक जीव गोस्वामी पाद के होगा और एक रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ में है जत किंचित तीन गुल मकट मुखंग गोष्ठी समझी तत् सर्वानंद मुकुंद दैतंग लीलानुकूलंग परम शास्त्री व स्फुटमित निष्ठ जांच ब्रह्मादिवी सस्फीर मदियं तया वंदते अरे ढूंढना पड़ेगा ना सब है आ समझे इसी को कहते साधन है कि नहीं अच्छे अच्छे श्लोक के गोस्वामी वर्ग के श्लोक के जो है ढूंढो है एक बनिया पैसा ढूंढने के लिए कितने परिश्रम करते रात 12 बजे जो जगे रहते है कि नहीं पैसा कमाना है तो भाई रात 12 बजे जगना पड़ेगी कि नहीं एक भक्त भी 12 बजे जगते हैं वो भी पैसा कमाने के लिए कौन सा पैसा धन कृष्ण प्रेम धन दोनों धन कमाते हैं एक कृष्ण प्रेम धन कमाने के लिए रात 12 बजे जगते हैं और एक जड़ धन प्राप्त करने के लिए वो भी 12 बजे जगते हैं है? दोनों जगते हैं किंतु एक के जगना दूसरी उद्देश्य होता है दूसरे यही तो साधन है शास्त्र के श्लोक ढूंढो हम लोग देखो गुरुदेव समय नहीं बोलते थे गुरुदेव श्लोक बोलते थे और हम लोग उस श्लोक को ढूंढते था ये श्लोक कहाँ से मिला गुरुदेव थोड़ी बोलते थे ना गुरुदेव के सामने किसी को बोलना था ये गुरुदेव ये श्लोक आपको कहाँ मिला मार एक चट्टा मैं तो इतना ही बोल दिया जो रघुनाथ दास के समय गुरुदेव वो भी नहीं बोलते गुरुदेव बोलते तुम लोग ढूंढो कोई कुछ बोल दिया तो है श्लोक ही याद है आजकल तो और भी सरल हो गया ना इंटरनेट में लिख दो इंटरनेट में आपका आ जाएगा है सब डाउनलोड हो गया सर है उस समय थोड़ी ऐसे था है हम लोग कितने किताब परिश्रम करना पड़ रहा था तो कहाँ है कौन सा किताब है गुरुदेव जो नए नए श्लोक बोलते थे ना और श्लोक ढूंढते थे है नहीं किताब संग्रह आदि करते हैं आज गुरुदेव जब कहीं चले जाते हैं गुरुदेव को देख लेते वो किताब कहाँ है श्लोक के ढूंढना पड़ता है यही तो साधन और कुछ नहीं साधन क्या है दो माला कर लिया बोले साधन हो गया चलो ठीक है इसलिए उसी की कहते अनुशीलन है गुरु वैष्णव हमें इतने बोल दिया फिर अपने को क्या करना पड़ेगा अनुशीलन करना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा श्लोक कहाँ की है उसके श्लोक की तात्पर्य क्या है भागवत की टीका गोस्वामी की टीका पढ़ने पर पता लगता है टीका पढ़ना पड़ता है टीका में होगा कहीं नहीं कहीं है बल वृंदावन बिहारी लाल अरे कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं हरिनाम करो बात हो जाए बोले इतने कौन मूड मारी भाई ठीक है हरिनाम करो है? कुछ करो जय जय श्री राम।
सब राधे के चरण धूल बन जा, बालू बन जा, नुपुर बनना चाहिए। नहीं नहीं क्या?